सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। जिसके इरादे साफ होते हैं अक्सर रिश्तेदार उसके खिलाफ होते हैं। पैदा होने से मरने तक लाख रिश्ते बनते होंगे, लेकिन पिता जैसा देखभाल करने वाला और माँ जैसे प्यार करने वाली दोबारा नहीं मिलती। सावधान रहिए, जीवन में आपकी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आज का पंचांग 31 मार्च 2024 दिन रविवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि, रात्रि 9:31 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 10:56 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:06 से 6:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर रात्रि 9:56 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 31 मार्च 2024 दिन रविवार, जब कोई फैसला लेना होता है आप दिल और दिमाग के बीच उलझ जाते हैं। यही उलझन है, अपने मन की आवाज सुने, इससे आप सही फैसला ले पाएंगे। आपके परिजनों और करीबियों को आपके साथ की जरूरत है, उनके साथ अच्छा समय बिताएं। यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छा समय है, अगले सप्ताह आप यात्रा कर सकती हैं। घर परिवार के मामलों में आज वृषभ राशि के जातकों को किस्मत और घर के बड़ों का साथ मिल रहा है। अगर किसी कारण से आपका जीवन साथी नाराज है तो आप उनकी नाराजगी दूर कर सकते हैं और उनके लिए कोई गिफ्ट ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। बच्चों की ओर से आपको आज भरपूर खुशी मिलेगी और कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। दूर रहने वाले भाई बहनों की खबर से मन को खुशी मिलेगी। आज आप अपने आप पर संदेह कर सकते हैं और अपनी खुद की क्षमता को नजरअंदाज कर सकते हैं। यह सब आपके असुरक्षित व्यवहार की वजह से है जिसे आपको नियंत्रित करना होगा। एक गहरे स्तर पर दूसरों के साथ संदेशों का आदान प्रदान करने का प्रयास करें। इससे न केवल आप उन लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सकेंगे बल्कि आप कार्य प्रणाली को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आपको अपनी बहुमूल्य स्थिति के बारे में भी जानने में मदद मिलेगी। आपको अपने किसी मित्र की ओर से कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। आप अपने कामों को लेकर भाग दौड़ करेंगे तभी वह पूरे हो सकेंगे। स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को यदि आपने नजरअंदाज किया तो भविष्य में वह कोई बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। आपको अपने परिजन से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आपका कोई सहयोगी आपकी बात का बुरा मान सकता है। कार्य क्षेत्र में आप किसी को साझेदारी ना बनाए। सावधानियां, आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। गाड़ी चलाते समय ब्रेकर का ध्यान रखें। ब्रेकर ना दिखने से कोई दुर्घटना घट सकती है। गाड़ी तेज ज्यादा ना चलाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है और ऐसा कई बार हो चुका है। अपने आप को पिछले कड़े अनुभवों से परेशान न होने दें। हालांकि अब भी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछले मजेदार दिनों की याद दिलाता है। आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकती हैं। बस अपनी कोशिशों के सफल होने तक का इंतजार करें। बात करते हैं करियर की। आज इस राशि के लोगों को अपनी करियर और कारोबार में काफी व्यस्त रहना होगा। बिजनेस में आज आपको परिवार का भी पूरा साथ मिलेगा। नौकरी में आज आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा और आप मनोरंजक पल भी साथ बिताएंगे। आज का दिन कारोबार के लिहाज से उनके लिए फायदेमंद रहेगा और अच्छी कमाई होगी। आर्थिक मामलों में आपके लिए दिन कमाई के साथ खर्चीला भी रहेगा। घर के साथ सज्जा और बच्चों की खुशी पर भी आप धन खर्च करेंगे। बात करते हैं सेहत की। हालांकि आपकी सेहत अच्छी है लेकिन इसके हिसाब से आप में स्टेमिना कम है। हालांकि आपको इसका अनुभव केवल खुद को बिस्तर से बाहर आने तक ही होगा। घर से आपके बाहर निकलते ही खुशमिजाज मौसम आपका स्वागत करेगा और आप खुद को अपने स्वाभाविक लय में ही पाएंगे। आज दुपहिया वाहन का प्रयोग करने से बचें।
अगर करना ही पड़े तो सावधान रहें। आज का उपाय, आज आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।